दोस्तों, मैं नवीन बख्शी आपके पास फिर दोबारा। मैं एके इन्फो से हूँ और आज हमारी एके इन्फो टीम ने डिसाइड की है कि मैं अपने यूट्यूब व्यूवर को अपटो कपलर आईसी के बारे में बताऊँ। तो ये जो आईसी है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट आईसी है, क्योंकि ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, खास करके पावर सप्लाई, ये सारे पावर सप्लाई में इसका यूज किया जाता है। रियल में ये होता क्या है, तो एक हमारा ये एलईडी मीन्स एक एलईडी का और एक फोटो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। फोटो ट्रांजिस्टर और एलईडी का कॉम्बिनेशन होता है जो लाइट की प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका मेन काम होता है पावर सप्लाई में, खास करके जितने भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई हैं सारे में वोल्टेज को कंट्रोल करना, यानी कंट्रोलिंग सर्किट में इसका यूटिलाइज किया जाता है। यदि इसकी टेस्टिंग की बात की जाए, तो टेस्टिंग में सबसे पहले देखा क्या जाता है कि यहाँ पर जहाँ डॉट अथवा कट लगा हो, वो हमारा पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और ये रहता है पिन नंबर हमारा 4। इसमें हम इसी पिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करते हैं, लेकिन टेस्टिंग से पहले हम दिखाते हैं आपको कि ये पावर सप्लाई में होता कहाँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये हमारा कंप्यूटर के SMPS का पावर सप्लाई है, जिसमें यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि एक मेरे पास टीवी का पावर सप्लाई है। यदि मैं बात करूँ इसमें, ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ यदि मेरे पास एक और भी पावर सप्लाई है जिसमें बात करूँ, तो ये यहाँ लगा हुआ है, राइट। अब इसके साथ साथ ये जो भी काम करता है, रियल में होता क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्शन को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये हमारा सेक्शन यहाँ से डिवाइड है, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन हो जाता है, जबकि ये सेकेंडरी सेक्शन हो जाता है। तो ये जो हमारा अप्टो कपलर आईसी लगा हुआ है, ये दोनों सेक्शन को कंट्रोलिंग करने के लिए, यानी ये हमारे SMPS को या पावर सप्लाई को स्टार्ट करवाने के लिए दोनों सेक्शन को मिलाने का भी काम करता है, यानी दोनों सेक्शन इससे जुड़े होते हैं। यदि मैं इसमें भी बात करूँ, तो ये हमारा सेक्शन यहाँ से बीच से डिवाइड है, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, इसका इधर का सेकेंडरी सेक्शन है। और इस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के बीच में ये जो लगा हुआ अपटो कपलर, यहाँ पे इसकी अगर टोटल पिन देखूँ, तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पिन का आईसी है। और ये 4ों पिन का आईसी हमारे ये दोनों सेक्शन को क्या कर रहा है, आपस में कॉम्बिनेट करके हमारे पावर सप्लाई को ऑन करवाने का काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये आईसी रियल में होता कैसे। यदि इसको निकाला जाए, तो निकालने के बाद कुछ इस तरह का ये आईसी नजर आता है, राइट। जिसमें इसके ऊपर भी एक तरफ डॉट अथवा कट बने होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कट बना हुआ है, जबकि अगर हम सेकेंड आईसी की बात करें, तो सेकेंड आईसी में यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ है, राइट। जबकि यदि मैं तीसरी की बात करूँ, तो तीसरे में भी यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दिया हुआ है। अब ये हमारा डॉट दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ कि ये हमारा पिन नंबर 1, 2 जिधर डायोड लगा हुआ है, और हमारा पिन नंबर 3 और 4 जिधर यहाँ पर, यानी कहने का मतलब डॉट 1 यहाँ पे है, तो 1, 2 और ये 3, 4, तो 3, 4 के साइड में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यदि इसकी मैं टेस्टिंग की बात करूँ, तो टेस्टिंग में ऑलवेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो डायोड है, तो डायोड हमेशा शो करता है 1 साइड वैल्यू, जबकि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर टू इमीटर से यदि चेक किया जाए, तो बोथ साइड नो बीप नो वैल्यू की कंडीशन होनी चाहिए, यानी शो होना चाहिए यहाँ पर, शो बोथ साइड नो बीप नो वैल्यू। तो अभी हम आके यहाँ पर चेक करते हैं पिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, आइए सर्किट में देख लेते हैं। तो सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बात करता हूँ मल्टीमीटर से, इसके टेस्टिंग के लिए मैं इसे कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया। चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूटी रेंज को, सही है बिल्कुल। यदि अब मैं इसे चेक करना चाहूँ, तो ये हमारा पिन नंबर 1, 2 एंड 3, 4, तो 1, 2 से 1 साइड वैल्यू शो होना चाहिए, और मैं यहाँ से यदि चेक करूँ, तो यहाँ पर इधर से वैल्यू तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोब को यदि मैं इंटरचेंज करूँ यहाँ से पिन नंबर 1, 2 में ही, तो पिन नंबर 1, 2 में यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है, राइट। जबकि पिन नंबर 3, 4 के बीच में इधर से भी कोई वैल्यू नहीं, और इधर से भी
कोई वैल्यू नहीं आती है। ओके, इसी तरह यदि मैं सेकेंड ऑप्टो कपलर की मैं बात करूँ तो इसमें भी है हमारा पिन नंबर 1 2, क्योंकि यहाँ पर एक कट दिया हुआ है, तो 1 2 से हमेशा ऑलवेज वन साइड वैल्यू होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, तो इधर से वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जब मैं इंटरचेंज प्रोब का करता हूँ तो इंटरचेंज करने पे ऑलवेज यहाँ पे वन साइड वैल्यू ही शो होगा। देख लेता हूँ, बिल्कुल शो हो रहा है यहाँ पर वन साइड वैल्यू, जबकि बिल्कुल आ रहा है वैल्यू। जबकि यदि मैं इसके सेकेंड साइड को मैं चेक करता हूँ तो सेकेंड साइड में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि हम लोग बेसिक से ही जानते हैं कि इसके कलेक्टर टू इमीटर कोई वैल्यू नहीं आता, और यहाँ कलेक्टर इमीटर की कनेक्टिविटी होती है। मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, कोई बीप नहीं, कोई वैल्यू नहीं। सेकेंड इधर से मैं यदि चेक करता हूँ इसका, तो यहाँ से भी नो बीप नो वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी यहाँ से भी नो बीप नो वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ से भी नो बीप नो वैल्यू है। मैं तीसरा को देखता हूँ, तो तीसरा को भी देखने के लिए यहाँ से डॉट हमारा यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी भी टेस्टिंग वन साइड वैल्यू होनी चाहिए पिन नंबर 1 2 से। लेकिन याद रखें दोस्तों, हमारा ये जो रेड प्रोब है ओनली डॉट साइड में होगा तो ही वैल्यू शो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं जब इसे डॉट के साइड में रखता हूँ और इधर रखता हूँ इसे, तो बिल्कुल वैल्यू शो हो रहा है, जबकि मैं इसे इंटरचेंज करता हूँ तो वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, तो वैल्यू शो नहीं हो रहा है। यदि मैं इसका इस साइड में चेक करूँ तो यहाँ भी बोथ साइड नो वैल्यू होनी चाहिए, तो इधर से वैल्यू नहीं आया और इधर से भी कोई भी बीप कोई वैल्यू नहीं आया। तो इस तरह मैंने आज सीखा ऑप्टो कपलर के बारे में कि ऑप्टो कपलर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। इससे भी और ज़्यादा हमारा लेटेस्ट वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे यहाँ डेमो क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्मार्ट टीवी की एडवांस लेवल क्लास की जाती है। यदि आप एडवांस लेवल का क्लास डेमो क्लास के रूप में भी लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले शो होने वाले नंबर पर कॉल करें और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं तो हमारे वेबसाइट www.akinfo.in या .com पे जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।